मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीएम केजरीवाल अपने साथियों के साथ एलजी हाउस के वेटिंग रूम में जमे हुए हैं। केजरीवाल के धरने पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल। अगर ये व्यक्तिगत रूप से तय किया गया फैसला है तो एलजी के घर के बाहर होना चाहिए था। क्या एलजी के घर के अंदर धरना करने की इजाजत ली गई है? आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं? माननीय उच्च न्यायालय की ये कम से कम 30वीं 35वीं गंभीर टिप्पणी होगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज जो टिप्पणी की है माननीय उच्च न्यायालय ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इस धरने पर जो धरना चोरी से घर में घुस के किया जा रहा है, इस पे आज की माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी बहुत ही गंभीर है। राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पोस्ट पर जो होते हैं उनके घर के या उनके कार्यालय के अंदर जाकर के धरने पर बैठ गए हैं, जो कि गैर कानूनी है, जिसको कोर्ट ने आज बहुत सख्ती से उनको आड़े हाथों भी लिया और नोटिस इशू करने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि आईएएस अफसर हड़ताल पर नहीं हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें आईएएस अफसरों को भी पार्टी बनाने की तैयारी है। कि सीधा सवाल दिल्ली सरकार से और उनके मंत्रियों से ये पूछा गया है कि क्या ये धरना कैबिनेट की मंजूरी पर हुआ या व्यक्तिगत फैसला था केजरीवाल और उनके मंत्रियों का। साथ ही इससे भी बड़ा सवाल कोर्ट की तरफ से ये आया कि एलजी के घर पर धरना देने से पहले क्या इसकी मंजूरी एलजी की तरफ से ली गई थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के धरने के बाद पूरे मामले पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो इस वक्त एलजी हाउस के अंदर है, तो बाकी कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है जो इस बात पे चर्चा करते हैं कि ग्राउंड पे पब्लिक तक जो पार्टी का और जो सरकार का संदेश है वो कैसे ले जाया जाए।